यार हम लोग शायद नहीं जा रहे वहां पे, हम लोग है ना, हम लोगों का तो प्लान कैंसिल हो गया। नहीं हुआ था ना मेरा बच्चा, ही नहीं हुआ। ओह माय गॉड, जब मिस्टी ने खुद। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी, दिस इज कुर्तज का ब्लॉग। एंड आज इट ट्यूसडे, तो अभी हम लोग खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पार्टी खाने में आज देखो क्या बन रहा है गाइस, सजवन की सब्जी बन रहा है। सजवन की सब्जी में बहुत सारा फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा तो भाई जो जिनको कमजोरी होता है, कमजोरी नहीं जो हस्बैंड होता है उनके लिए ज़्यादा फायदा होता है। सारी वाइफ अपने हस्बैंड को खिलाए सजवन बना के, है ना। तुम भी खिला। गांव में तो हमारे एक बगल में पेड़ है सजवन का, खरीदना भी नहीं पड़ता। हमारे घर में भी पेड़ है, गांव वाले घर में पता है इसका। अब पता नहीं है कि नहीं, उखाड़ दिया। लेकिन जब मैं छोटा था ना तो हमारे गांव में कितने पेड़ थे सजवन के, पेड़ पे लटके हुए दिखते थे ये। वहाँ से जिसका होगा वो तो खरीदता भी नहीं होगा, तोड़ लेता होगा मस्त। गांव में तो ऐसे होता है, हमारे घर में खुद पेड़ छिले रखते हैं। नहाई लेने किसका था अभी? ना अभी हम लोग मिस्टी नहाई है और सालू भी नहाई है। सालू जा रही है अभी कंप्यूटर क्लास, थोड़ी देर में निकलेगी, इसका टाइम हो गया। कार्तिक अब बिना छिले रख दे रहा है। कार्तिक भी हेल्प करवा रहा है, कार्तिक भी छिलवा रहा है। ये अंजलि ने पहली बार सूट पहना है, बोल रहे थे भैया दिखा दे एक बार मेरे को जरा, एक बार सूट पहना पहली बार। अब ने बताना मैं कैसी लग रही हूं। नीचे रखो। सही है, नीचे का पैंट पहना है ये रहा। तभी बनता है सब्जी गाइस। क्या हुआ मिस्टर, कुछ बोलो ना। खाली सब्जी काट रहे खाली, बस तेरा दो मोटी है। क्या बोल रहा हूं, कुछ बोला। क्या ही बोलूं, अभी नहीं बोलना। अभी ब्लॉग बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे बनी। बनाऊंगी, दिखाऊंगी। हां यस, दिखाऊंगा जा रहा हूं। 1 hour later। तो गाइस खाना बन चुका है हमारा ऑलमोस्ट। क्या था यार इसका नाम, बोल दिया। सजवन का सब्जी थोड़ा क्लोज से दिखाओ। देखो क्लोज से दिखाओ। इसमें मैंने सरसों डाला है और लहसुन पीस के डाला है, ठीक है। आलू भी डाला क्या? हां आलू भी डलता है, क्योंकि तो आलू तो डालना ही चाहिए। सजवन कम था ना तो मैंने सोचा सब लोग खाएंगे, थोड़ा सा आलू भी डाल देती हूं, नहीं तो मैं वैसे ही बनाया था। और बाकी इसमें दाल है। ओए होए होए, दाल तो मस्त लग रहा है यार, पीला नहीं लग रहा है, लाल लग रहा है। और कार्तिक के लिए अलग दाल बनाते क्योंकि बाबा मसाला नहीं खाते ज्यादा। सही है भाई, उनके लिए अलग से रखा है दाल बना के। जब हम बुड्ढे हो जाएंगे तो हमें भी वैसे खाना पड़ेगा। हमारी बहू खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी पता नहीं यार। मैं हूं तुम तो हो, लेकिन जैसे जब हाथ पर चलना बंद जाएंगे तब की बात करता हूँ मैं। नहीं अभी इतने आगे का क्यों सोच रहा हूँ। Two hours later. देखिए सब्जी बन चुका है, इतना यम्मी लग रहा है, सो टेस्टी। एंड दही भी है एंड मिस्टू खा रहे हैं। जरा खा के बताओ तो कैसा लग रहा है, खा के बताओ सब्जी कैसा लग रहा है थोड़ा सा। और गाइस पता है इस सब्जी का रेसिपी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बताऊँगी ज़रूर मैं। ठीक निकले चाहिए, रुक जाओ दे रहा हूँ, बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा है, सजवन तो अच्छा लगता है। कार्तिक को अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू ले रही थी, तो कार्तिक कह रहा है मैं थोड़ा घूम के आ जाओ। पकड़ के ला रहे, जाओ तुम भी खा लो खाना। कान के पास क्या हुआ, लाल लाल हो रखा है इसका, दिखाओ। देखो तो इधर। तो गाइस अभी कार्तिक का दूध पीने का टाइम हो गया है और शाम हो रहा है। अभी शाम के टाइम पे हमारे घर के बाहर ही काफ़ी काम वाम चल रहा है, तो मुझे लगता है अभी पूछा नहीं है मैंने, कंफर्म नहीं है। मुझे लगता है कल रामनवमी है, उसके लिए भंडारा करवाएंगे ये लोग। तो ये आज ही से तैयारी क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आया मुझे। सब सब लोग तैयारी कर रहे हैं ना आज, मतलब हाँ हो सकता है कि सुबह होते होते ही, है ना, ये हो सकता है कि सुबह सुबह एकदम भंडारा कराना स्टार्ट कर देंगे। सुबह कन्या खिलाते हैं ना, कल कन्या पूजा भी है, कल कन्या पूजा भी है कल, क्योंकि कल आखिरी दिन है, कल रामनवमी है, कल राम जी का जन्म हुआ था भाई, तो काफ़ी गर्व की बात है भाई है हमारे लिए यार। काश मैं, काश मेरा घर अयोध्या में होता गाइस, तो जरूर राम मंदिर का दर्शन करता मैं जाके। कल कितने लोग जाएंगे, आज ही से तो लोग जा रहे होंगे वहां पे। चले हो गए एक दिन पहले, लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग तो पहुंच भी गए होंगे, है ना। तो पापा मम्मी भी गए हुए हैं नीशू के ससुराल में, मतलब वहां पे गए थे क्योंकि बुआ ने कुछ मन्नत मांगा था, उनका कुछ है तो वो अपना मन्नत पूरा करने गए हैं वहाँ पे। बाकी हम लोग भी, मेरे को भी बुआ ने बोला था कि चलने के लिए, मिस्टी को भी बोला था, सबको बोला था जाने के लिए, लेकिन अभी नीशू का डिलीवरी का टाइम है तो इसलिए हम लोगों ने कहा नहीं अभी ट्रैवल करना ठीक नहीं है कहीं पे। नहीं तो ट्रैवल करना ही होता तो हम राम मंदिर जाने वाले थे मेरे एनिवर्सरी टाइम पे, उसी टाइम पे चले गए होते, है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। कोई बात नहीं गाइस, तो गाइस देख सकते हो भाई पूरा सिलेंडर वगैरह जागरण है,
जागरण की तैयारी चल रही है, कल है जागरण तो आज से ही सब कुछ यार। सही है भाई, सही है, जागरण करवा रहे हो, अच्छी बात है यार। रामनवमी के दिन मैं सोच ही रहा था, मुझे लग रहा था कि भंडारा वगैरह होगा कहीं। हाँ नहीं, भंडारा भी है। हाँ, मिथुन भाई की शादी थी, तो अभी आपको पता ही है कि 23 तारीख को शादी है शायद, है ना। हाँ। और काफ़ी सारे दोस्त आ रहे हैं, अपने यूट्यूबर्स दोस्त आ रहे हैं वहाँ पे। यार हम लोग शायद नहीं जा रहे वहाँ पे, हम लोग है ना, हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। क्योंकि आप लोगों को रीज़न पता ही है कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते। रीज़न आपको पता ही है, रीज़न ये है कि नीशु का जो डिलीवरी डेट है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। हाँ, और उसकी हालत भी अभी थोड़ा बहुत मतलब ना वैसे होती जा रही है, और उसको भी अभी मतलब क्या कहते हैं बीच बीच में दर्द वगैरह होता रहता है उसको। और अभी मम्मी पापा भी है नहीं, वो लोग गांव गए। मम्मी पापा भी नहीं है, मम्मी पापा भी वो आएंगे खुद 22 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से 21 को निकलना भी था ना शादी के। हाँ, हमको 21 को निकलना था, हमको 22 को वहाँ पहुँचना था। फिर मैं सोच रहा हूँ कि ना जाऊँ, मम्मी पापा है नहीं और आएंगे वो क्या पड़ता है, संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, है ना, क्योंकि मैं ही सब चीज़ यहाँ पे करता हूँ। मिस्टी के डिलीवरी टाइम पे भी मैंने ही सब चीज़ किया था, सब कुछ मतलब मिस्टू ने यहाँ पे सारा देखा था, हॉस्पिटल का। ये चीज़ है, शायद नहीं जाएंगे हम लोग, और कोई बात नहीं गाइस, शादी वगैरह तो होता ही रहता है लाइफ में, है ना। शादी वैसे एक बार ही होता है, लेकिन अब भाई जैसे भगवान की मर्ज़ी, रिसेप्शन होगा अगर उनका तो देखेंगे। रिसेप्शन में भी नहीं जा सकते, तो रिसेप्शन भी तो जल्दी थोड़ी होता है, तो वो भी तो शादी के कुछ दिनों बाद ही होता है, शादी अगले दिन ही हो जाता है रिसेप्शन वगैरह। गाइस पूरी तरफ से मैं फंसा हुआ हूँ, और मिथुन भाई ने जाना बहुत, मिथुन भाई ने बुलाया इतने प्यार से, उन्होंने बताया, उन्होंने कब से बोला, एक महीने पहले से हम लोग वो बहुत पहले से बोल रहे हैं, एक महीने पहले से नहीं, वो तो जब से बोल रहे हैं, जब हम उनके घर गए थे गाड़ी का बुकिंग नहीं, जब फर्स्ट टाइम गए थे शायद, उसका बर्थडे था यार, काजल का बर्थडे था सब। हाँ, 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 तब से ही बोल रहे थे कि मेरे भाई का शादी है, शादी अभी अभी फिक्स नहीं हुआ है, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, तब से बोल रहे थे वो, बता दिए थे। बट हमारे पता जाने का बहुत मन था, और हम लोग तो गैस भी कर रहे थे कि क्या क्या पहनेंगे, सुना वहाँ पे क्या होगा। मैं तो सोचा था कि अगर जाता तो मैं कोट पैंट नहीं पहनता बिल्कुल भाई इस बार, ये कोट पैंट में गर्मी में कोट पैंट बिल्कुल नहीं पहनता, वो तो हल्का सा कपड़ा पहन लेता, अलग थोड़ा सा अलग दिखता मैं तो। यही सब चीज़ें यार, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी करना था, है ना, तो अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। मिथुन भाई यार कोई बात नहीं, आपकी शादी में जरूर आएंगे, आप शादी करने वाले हो ना, दोबारा शादी करोगे ना अच्छे से मतलब, तो उसमें ज़रूर आएंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, ये समझ लेना आपका बड़े भाई को कुछ काम आ गया, है ना। हाँ मतलब ऐसे तो मतलब देखो यहाँ पे भी हमें रहना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे मतलब रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को। हाँ। क्योंकि डिलीवरी टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना कि सब लोग साथ में रहते हैं, तभी वो अच्छे से मतलब अच्छा। अगर ऐसा होता तो मैं मिस्टी को छोड़ कर चला जाता यहाँ पे। हाँ। फिर मिस्टी यहाँ संभाल लेती, लेकिन ये खुद ही नहीं संभाल पाती, खुद को नहीं संभाल पाती तो दूसरों को क्या संभालेगी ये, है ना, तो इसलिए मेरे को रहना जरूरी है। क्या मम्मी पापा ने पूरा घर मैं संभाल रहा हूँ, कैसे संभालना बोलते हैं इसको तुम, तो अच्छा पूरा घर संभाल रहा हूँ ना मैं, दो तो बच्चों को संभाल, तो सारे बच्चों को, सारे बच्चों को मैं ही संभाल रहा हूँ, दूसरी बच्ची बोल रही है मैं दो दो बच्चों को संभाल रहा हूँ, तो सारे बच्चों को मैं ही संभाल रहा हूँ इधर। ये संभालना और नए 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 जो बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न को संभालना बहुत, खुद ही तुम्हारा जब हुआ था ना, मेरा बच्चा ही नहीं हुआ, माय गॉड, जब मिस्टी का खुद हुआ था तो भाई मम्मी संभालती थी, ये तो छूती भी नहीं थी, ये तो क्या करती थी, कैसे पकड़ो, फिर ऐसा करती थी, बोलती भी नहीं थी, ओ बाबू बाबू, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, तो क्या ही बोलूं, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं। गाइस कोई बात नहीं, बाकी हम लोग नहीं जा रहे हैं, और कोई बात नहीं यार, बाकी हम तो ब्लॉग देखेंगे, ब्लॉग देख के इन्जॉय कर लेंगे, ऐसा सोच लेंगे, हम भी वहाँ पे थे, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, आप सभी को एक बार एडवांस में रामनवमी शुभ रामनवमी, रामनवमी पे भाई क्या करें ना, रामनवमी कुछ क्या करें, अयोध्या भी तो नहीं रहते कि हम, खास क्या होता है उस दिन, पूजा करते हैं, पूजा पाठ। मेरा गाइस पता है बहुत मन है भंडारा करवाने का, लेकिन अभी बजट थोड़ा सा आउट ऑफ वो है हम लोग का, तो मैं खुद भंडारा करवाता, कम से कम तो इतना करा देता कि 100-200 लोग आराम से खा लेते, है ना, भंडारे में, भंडारा नहीं, भंडारा करवाना बहुत पुण्य का काम होता है गाइस। हाँ। पता है मैं भी करवाता, मतलब अपनी तरफ से करवाएंगे इन फ्यूचर हम लोग, लेकिन मैं जब करवाऊंगा जब मेरा खुद का घर हो जाएगा ना, तब भंडारा मैंने सोच रखा, जब जिस दिन मेरा खुद का घर हो गया, मेरे नाम पे हो गया घर, उस दिन भंडारा करवाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।